एडवर्ब आज हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे काफी विस्तार से आसान तरीकों में, ताकि आप अपने रिटेन और स्पोकन इंग्लिश को एडवर्ब के दृष्टिकोण से गाइड कर सके। सो वॉच द वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एवरी वर्ड, एवरी आर्टिकल इन इजी वे इन डिटेल। सो लुक हियर, आपने देखा यहां एडवर्ब, एडवर्ब पार्ट्स ऑफ ए स्पीच का एक पार्ट हुआ, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच वर्ड्स के काइंड हुए, जो हम लोग पहले प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट्स ऑफ ए स्पीच है क्या, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच से अब तक हम लोगों ने जिन पॉइंट पे डिस्कस किया, वहां हम लोग ने नाउन को देखा है, भार और एडजेक्टिव को देखा है। यहां से हम लोग एडवर्ब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, डिफाइन करते हैं एन एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब एक वर्ड है, मतलब पार्ट्स ऑफ ए स्पीच का हिस्सा है। हमने टोटल वर्ड को आठ कैटेगरी में रखा, आठ प्रकार से जो है ना समझा, और प्रत्येक प्रकार को, प्रत्येक पार्ट को पार्ट्स ऑफ ए स्पीच कहते हैं, जिसमें एक पार्ट एडवर्ब से लिया जाता है या एडवर्ब के लिए सेफ या सुरक्षित रखा जाता है। या हमने फर्स्ट टर्म में ही जाना कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब एक वर्ड है, इट मींस पार्ट्स ऑफ ए स्पीच का हिस्सा है, विच क्वालिफाइज, जो विशेषता को बताता है। एन एडजेक्टिव एक्शन एंड एडवर्ब इटसेल्फ, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव एक्शन एंड एडवर्ब इटसेल्फ। एडवर्ब एक वर्ड है जो किसी एडजेक्टिव को, एक्शन को और स्वयं एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाइंग वर्ड के बारे में आप लोग प्रीवियस क्लासेस में अध्ययन कर चुके हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्वालिफाइंग वर्ड का अध्ययन किया एज एडजेक्टिव, वहां पे आपने देखा एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो उस एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है, एक्शन की विशेषता को बताता है और स्वयं एक एडवर्ब की विशेषता को बताता है। हाउ लुक हियर, इससे एक एग्जाम्पल रखे हम लोग, Ram is very good। यहां पे good को आपने देखा यह एक एडजेक्टिव है, इसके पहले एक टर्म है very जो इस एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है, इसे हम एडवर्ब कहेंगे। राम अच्छा है, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो यहां very से इस good के क्वांटिटी के बारे में पता चलता है, अतः ऐसे वर्ड को एडवर्ब कहा जाता है। जैसे सीता इट्स सलाली, सीता धीरे धीरे खाती है, सीता खाती है एक वर्ड यहां पे आपने देखा एक्शन। अब बोलेंगे कैसे खाती है, धीरे धीरे खाती है, यानी यह एक ऐसा वर्ड है जो सीता के द्वारा किए गए काम के मैनर को बताता है। तो ऐसे टर्म को एडवर्ब कहते हैं। तो आपने देखा कि एडवर्ब एक वर्ड है जो किसी एडजेक्टिव और एक्शन के विशेषता को बताता है, लेकिन एक पॉइंट आप यहां भी गाइड करेंगे कि एडवर्ब अपना भी विशेषता को बताता है। कैसे, तो एग्जांपल को यहां ही देख लीजिए, वी रन वेरी स्लोली, हम लोग बहुत धीरे धीरे दौड़ते हैं। तो यहाँ पे दोनों एडवर्ब आपके सेंटेंस में मेंशन किया गया है, हम लोग दौड़ते हैं कैसे, धीरे धीरे। तो एक एडवर्ब हो गया कितना धीरे धीरे, तो बहुत धीरे धीरे।
यह भी एक एडवर्ब हुआ जो एक एडवर्ब की विशेषता को यानी मात्रा को बता रहा है। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि एडवर्ब एक वर्ड है जो किसी एडजेक्टिव, एक्शन और स्वयं एडवर्ब की विशेषता को बताता है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ डिफिनेशन को समझा है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि एडवर्ब के अन्य क्या फंक्शन होते हैं। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। चलो की है एडवर्ब इज ऑफ 10 kinds। एडवर्ब 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। इसमें पहले पार्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करें, एडवर्ब ऑफ प्लेस डिफाइन द मैटर। द एडवर्ब विच शोज और डिनोट्स द प्लेस ऑफ एन एक्शन और एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस एक ऐसा एडवर्ब है जो किसी एक्शन या एडजेक्टिव के लिए स्थान को इंडिकेट करता है, स्थान का बोध कराता है। वे सभी एडवर्ब जो किसी क्रिया के, किसी विशेषता के, जगह के बारे में बातें करता हो, स्थान के बारे में बातें करता हो, उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। अब यहाँ आप प्लेस को दो तरीके से समझ लेंगे। हम जितना भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई स्थान होता है। तो अगर वह स्थान हम नेम के थ्रू इंडिकेट करते हैं तो उसे नाउन कहा जाता है, और सिर्फ इशारा करते हैं, पोजीशन बता देते हैं तो उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। प्लेस को दो वर्गों में हम रखेंगे, एक एज अ नाउन, यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर प्लेस के नेम के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे पटना, रक्सौल, ऑन द रोड, इन द स्कूल, इन द कार, लॉट्स ऑफ प्लेसेस। लेकिन यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस में वैसे प्लेसेस के बारे में हम अध्ययन करेंगे जिसका कोई पार्टिकुलर नेम नहीं होगा, लेकिन आप समझेंगे कि काम एक जगह पर होता है। जस्ट लाइक एज हियर, देयर, आउट, आउटसाइड, इन, इनसाइड, विद इन, अप, डाउन, बिहाइंड, बैक, इन फ्रंट ऑफ इत्यादि। ये सब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो किसी क्रिया के लिए, किसी एडजेक्टिव के लिए प्लेस को इंडिकेट करते हैं, और ऐसे टर्म्स को एडवर्ब ऑफ प्लेस बोला जाता है। अब आप चाहें तो इसके लिए कुछ एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। शो पहले इसे आप नोट करें तो इसके एग्जांपल प्लस अन्य मीनिंग्स के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। ओके, राइट डाउन। अब तक हम लोगों ने एडवर्ब ऑफ प्लेस के कुछ एग्जांपल्स को देखे, अब इनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंस के बारे में अध्ययन करें। शुरू किए एच, राम गोज देयर, राम वहां जाता है। कहां जाता है? वहां जाता है। तो आपने इस क्वेश्चन के सबसे पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट भाग और अदर वर्ड्स के कैटेगरी में हम एडवर्ब को रखेंगे जो प्लेस को, मैनर को, टाइम और रीजन को बताता है, उसे हम अदर वर्ड के कैटेगरी में रख लेते हैं। राम वहां जाता है।
अब इस सेंटेंस के लिए हम एक प्रश्न बनाते हैं, शुड हैव अ क्वेश्चन, वेयर डज राम गो, राम कहां जाता है? योर आंसर इज देयर, राम वहां जाता है, तो यह एडवर्ब प्लेस कहलाएगा। वी कम हियर, हम लोग यहां आते हैं। वेयर डू वी कम, हम लोग कहां आते हैं? तो हम लोग यहां आते हैं। इन हिंदी हिंदी सेंटेंस में वे सभी टर्म्स जो वेयर यानी कहां का आंसर हो उन्हें एडवर्ब ऑफ प्लेस के कैटेगरी में आप रखेंगे। जैसे दे आर रीडिंग इन, वे लोग अंदर पढ़ रहे हैं, कहां पढ़ रहे हैं? अंदर, तो यह एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। जैसे सीता मे प्ले आउट, सीता बाहर खेल सकती है, कहां खेल सकती है? आउट, बाहर, तो यह आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। तो वे सभी टर्म्स जो किसी क्रिया के लिए जगह का बोध कराता है उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं। अब यहां एक वर्ड हुआ आपका देयर, इससे रिलेटेड हम लोग एक अन्य पॉइंट्स को पढ़ ले जो आपके ट्रांसलेशन के लिए हेल्प करते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज इसको ट्रांसलेशन सेक्शन में ही हम लोग डिटेल्स में पढ़ लेंगे कि देयर का अन्य कौन कौन सा यूजेस होते हैं। फिलहाल नेक्स्ट टर्म को देखेंगे आप, हियर एडवर्ब ऑफ टाइम, द एडवर्ब विच शोज और डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। वह एडवर्ब जो किसी एक्शन और एडजेक्टिव के लिए टाइम को इंडिकेट करता है उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। एज, यहां जो टर्म्स होंगे उन्हें देखेंगे आप। नाउ देन बिफोर आफ्टर टुडे टुमारो यस्टरडे ऑलरेडी मच अर्लियर ऑलवेज जस्ट shown occasionally often almost daily every day इत्यादि। तो अभी जो हम वर्ड यहां पे देख रहे हैं इन सभी वर्ड से किसी एक्शन और एडजेक्टिव के टाइम का बोध होता है, अतः ऐसे टर्म्स को ऐसे वर्ड को एडवर्ब ऑफ टाइम के नाम से जाना जाता है। एनी डाउट? तो अभी आपने ये जो भी एग्जांपल देखा, हालांकि ये सभी टर्म्स के बारे में हम लोगों ने
टेंस में पढ़ा, टाइम एंड टेंस में पढ़े हैं। इसके पहले कई प्रीवियस सेक्शन में आप लोगों को ऐसे कितने एग्जांपल्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपने इसका हिंदी मीनिंग को देखा। अतः मैं महसूस करता हूँ कि इन सभी को हिंदी में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आप ओल्ड मीनिंग से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स को जो है ना अपने से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल आप जानेंगे कि ऐसे ऐसे जो वर्ड होते हैं कैसे पर्टिकुलर टाइम के बारे में अध्ययन नहीं करते या नहीं इंडिकेट करते हैं, तो ऐसे टाइम को एडवर्ब ऑफ टाइम के नाम से जाना जाता है। अब इन्हें हम सेंटेंस में मेंशन कर ले, एज, वी आर रीडिंग English now, हम लोग अभी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं कब? Your answer is here now, अभी पढ़ रहे हैं। अतः ऐसे टर्म्स को adverb of time बोला जाता है। जैसे सीता has already taken tea, सीता पहले ही चाय पी चुकी है। कब पी चुकी है? पहले ही। तो ऐसे टर्म को हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे। ही कैम Yesterday, वह कल आया। कब आया? कल, yesterday। तो ऐसे टर्म को हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे। राम कैन प्ले, राम मे प्ले टूडे, राम आज खेल सकता है। कब खेल सकता है? टुडे, आज। तो ऐसे टर्म को हम एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे। एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है ना? बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। यहाँ तक आप लोगों ने समझा एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है और एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है। नेक्स्ट टर्म को देख लेते हैं। Adverb of manner, the adverb which shows or denotes the manner of the action and adjective is called adverb of manner। आप लोग जान ले manner का मतलब क्या होता है? ढंग या तरीका। यह एक ऐसा एडवर्ब है जो हमारे आपके द्वारा किए गए किसी भी काम के या विशेषताओं के मैनर के बारे में बातें करता है, तौर तरीका के बारे में बातें करता है। अगर कोई सब्जेक्ट किसी काम को करता है तो कैसे करता है, कोई काम कैसे होता है। एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले आप इसे नोट कीजिए, आगे देखते हैं। तो हम लोग देख रहे थे एडवर्ब ऑफ मैनर को। इसके एग्जांपल्स को आप यहां देखोगे, जैसे वेल, बैड, इल, इल, फास्ट,
Salali, Lordly, Beautifully, Carefully, Hardly, Easily, इत्यादि। अरे इस तरह के जो आप टर्म देख रहे हैं यहाँ पे, इन सभी से एडवर्ब ऑफ मैनर का बोध होता है। ये सब कुछ ऐसे वर्ड है जो आपके द्वारा, हमारे द्वारा किए गए क्रिया के तौर तरीका के बारे में बातें करता है। लुक द एग्जांपल हियर, सच एज राम रीड्स फास्ट। राम तेजी से पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? तेजी से। अतः यह एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। सीता स्पीक्स लाउडली। सीता जोर से बोलती है। कैसे बोलती है? जोर से। तो यह एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। यू शुड राइट वेल। तुम्हें अच्छी तरह से लिखना चाहिए या अच्छा लिखना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए? अच्छा लिखना चाहिए। तो यह एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। तो यहां तक हम लोगों ने भली भांति सक्सेसफुली कंप्लीटली 3 एडवर्ब्स के बारे में अध्ययन किया। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट एडवर्ब को, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी इन योर मैथमेटिक्स? आप इस टर्म के बारे में सुने होंगे, रिपीटेशन, बारंबारता। कोई काम आपके द्वारा, हमारे द्वारा कितना बार किया जाता है, जिस वर्ड से हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे उस वर्ड को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। डिफाइन कर ले यहां पे, द एडवर्ब विच शोज और डिनोट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एज एग्जाम्पल लुक हियर, सम एग्जाम्पल्स एच वंस ट्वाइस थ्राइस अगेन अगेन एंड अगेन फोर टाइम्स फाइव टाइम्स इट्स इत्यादि। आप इन चीजों को ऐसे समझ लीजिएगा, कोई भी नंबर लीजिए उसमें टाइम्स का प्रयोग करिए, इसका मतलब उतना बार या उतना गुना हो जाता है। जैसे फोर टाइम्स चार बार, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, जैसे अगेन फिर से, अगेन एंड अगेन बार बार। तो जब हम किसी क्रिया को इन सभी वर्ड से इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं, तो हम उस क्रिया का, उस एक्शन के बारंबारता के बारे में बातें करते हैं और ऐसे टर्म को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। वो एग्जांपल के तौर पे यहां देख लेंगे आप, सच एज आई went there once, एक बार मैं वहां गया। कितना बार गया? एक बार।
It is the adverb of frequency. Sita will come here again and again. सीता यहां बार बार आएगी, कितनी बार आएगी? बार बार आएगी। तो ऐसे टर्म को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। शो यू शुड कॉल हिम 10 times। आपको उसे 10 बार बुलाना चाहिए। कितना बार बुलाना चाहिए? 10 times। सच वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? अब आप बताएंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम? नो, राइट। अब इसे नोट करेंगे तो इसके आगे हम एडवर्ब के अन्य टर्म्स के बारे में अध्ययन कर ले। ओके, अरे डाउन स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने एडवर्ब ऑफ काइंड में 4 kinds को देखा। अब इसके बाद आप इसके 5 kinds को देखेंगे। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, लुक हियर, द एडवर्ब विच shows the affirmative mode of an action is called adverb of affirmation. या एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या है? एक ऐसा एडवर्ब है जो हमारा और आपका काम करने के अफर्मेटिव मूड के बारे में बातें करता है, सकारात्मक मूड के बारे में बातें करता है कि काम होने वाली कंडीशन में थी, है, होगी या नहीं। अगर ना में आंसर आता है तो उन्हें हम एडवर्ब ऑफ नेगेशन बोलेंगे, और हाँ में आंसर आता है तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन बोलते हैं। शो आप एग्जांपल्स को यहां पे देखेंगे। एज, यस, व्हाई नॉट, एक्चुअली, एब्सोल्यूटली, प्रोबेबली, परहैप्स, सचाइज। यानी ऐसे जो टर्म्स होते हैं या किसी एक्शन के लिए, क्रिया के लिए सब्जेक्ट के अफर्मेटिव मूड के बारे में दर्शाते हैं, यानी यह बताता है कि काम होती थी, होती है या होगी। सो लुक हियर, सच एज, यस, आई विल गो देयर, हां मैं वहां अवश्य जाऊंगा, यानी काम हर हाल में होगा। एक्चुअली सीता वॉज ब्यूटीफुल, दरअसल सीता सुंदर थी। व्हाई नॉट, वी मे कम देयर, क्यों नहीं हम लोग वहां आ सकते हैं। तो ऐसे जो टर्म्स होते हैं, खास करके एडवर्ब ऑफ
किसी एक्शन के प्रति सब्जेक्ट का अफर्मेटिव मूड के बारे में बातें करते हैं और इन्हें हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, दी एडवर्ब विच शोज द नेगेटिव मोड ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ नेगेशन। वह एडवर्ब जो किसी एक्शन के लिए नेगेटिव मूड को दर्शाता है उसे एडवर्ब ऑफ नेगेशन बोला जाता है, नेगेटिव मूड को। अब देखेंगे इसके लिए भी कुछ टर्म्स होते हैं जिससे यह बोध होगा कि क्रिया ना होती थी, ना होती है, ना होगी। इस सेंस को हम अकॉर्डिंग टू टाइम तीनों टेंस में, किसी भी टेंस में देखेंगे। जब हम किसी क्रिया के लिए नेगेटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं तो उसे एडवर्ब ऑफ नेगेशन बोला जाता है। एज, नॉट, नो, नॉट, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, शैल्डम, इट इज से, यानी इत्यादि। अन्य भी कुछ अन्य भी टर्म्स होते हैं जिसके बारे में आप डिक्शनरी या अपने ग्रामर के बुक से या अन्य टेक्स्ट बुक से जो है ना आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मुख्य रूप से इन सभी टर्म्स को देखेंगे। यह यदि किसी सेंटेंस में एक्शन के साथ यूज होता है तो हम समझते हैं कि क्रिया किसी सब्जेक्ट के नेगेटिव मूड के बारे में बातें करती है किसी एक्शन के प्रति। सच एज, नो, आई शैल नॉट गो देयर, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। डबल बार नो का प्रयोग हुआ है। हम इस नो के बारे में भी विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप जान लेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में सबसे पहले नो का प्रयोग होता है तो इन्हें एडवर्ब ऑफ नेगेशन बोला जाता है। जैसे नॉट हुआ, ये तो हमेशा हमेशा के लिए आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन है या एडवर्ब के कैटेगरी में आते हैं। जैसे ही हार्डली कम्स हियर, वह बड़ी मुश्किल से यहां आता है, यानी वह नहीं के बराबर यहां आता है। जैसे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते शायद ही काटते हैं, बिरले ही काटते हैं, नहीं इत्तेफाक से काटते हैं, मतलब जो कुत्ता भौंकता है वह काटता नहीं है। तो यहां तक आप लोगों ने जिस वर्ड का प्रयोग यहाँ पे किया, इन सभी वर्ड से किसी क्रिया के लिए सब्जेक्ट के नेगेटिव मूड के बारे में बातें होती है, अतः ऐसे एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ नेगेशन बोला जाता है। अब नेक्स्ट टर्म को यहाँ देखिएगा, सेंटेंस में एक वर्ड नो का प्रयोग किया गया है, तो इन चीजों को आप नोट में समझ लें। नो, जब इसका प्रयोग नो प्लस अनकाउंटेबल नाउन हो तो इन्हें हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। जब इसके बाद कोई काउंटेबल नाउन हो
तो इन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। इस नौ से जुड़े हुए टर्म के बारे में यहां अध्ययन कर ले। देयर इज नो प्लेस हियर, ओनली लुक हियर इन दिस सर्किल। यदि नौ के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन हो तो आप इसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी समझेंगे। यदि इसी नौ के बाद किसी काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो आप इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर समझेंगे। लेकिन यही नौ अगर किसी सेंटेंस में सबसे पहले यूज हो जाता हो तो आप इसको एडवर्ब ऑफ नेगेशन समझेंगे। बोलिए, एनी बॉडी एनी प्रॉब्लम? किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं रहा? हम यहाँ पे क्लास को पोस्टपोन्ड करते हैं। आज के क्लास में इतना ही हम लोग देखेंगे। बाकी जो एडवर्ब के रेस्ट काइंड हुए इसके बारे में, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास का वेट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बातें बहुत अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने शुरू से अंत तक क्लास को अटेंड किया, वीडियो को वॉच किया। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना कर किए हो तो नीचे जो लाल एरिया देख रहे हैं सब्सक्राइब, उसे टच करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो होंगे इसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाएगा। ओके, राइट डाउन।